असिस्टेंट्स ऑफ थर्ड क्लास यू आई एम बैक विद रिवीजन। हम अपने जो आपका भी मॉडल पेपर हुआ था उसका अब ऑब्जेक्टिव्स का क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जिसको भी डाउट है कि क्या आंसर आएगा क्या है, तो वह यहाँ क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको चूज करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड वन इज इक्वल टू द, किसी नंबर का प्रोडक्ट यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर का वन से किया जाए तो आपको क्या मिलेगा। एज एग्जाम्पल, टू वन ज़ा, थ्री वन ज़ा, तो आपको क्या मिलता है, वो नंबर खुद मिलता है। तो आपको क्या लिखना था, नंबर इट्सेल्फ। सेकंड था, इफ 28 इंटू 7 इज इक्वल टू p इंटू 28, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको p की वैल्यू बतानी है। अगर ये इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर अब इसको वाइस वर्सा, मतलब 7 को 28 से करोगे तब भी आंसर सेम मिलेगा, 28 को 7 से मिलोगे तब भी आंसर सेम मिलेगा। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। सही में सिंपल है। फिर आपको दिया हुआ था 72 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 6। हियर 6 इज, 6 क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट है, मैंने आपको बताया है। आपको ये से नहीं समझ में आता तो आप डायरेक्ट ऐसे करके देख लो, ये 16 है, ये 70 है, और ये क्या बोल रहा है, इज इक्वल टू 6, यानी ये 6 आंसर। तो ऊपर जो भी होता है उसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, और जो नीचे बचता है उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज 5 मोर देन द डिनोमिनेटर। आपको क्या बताना था, इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती की है स्टूडेंट्स। आपको बताना था ऐसा न्यूमरेटर जो 5 ज़्यादा है डिनोमिनेटर से। तो मैंने यहाँ पे आपको करेक्ट तो दिया है जिसने भी मतलब ट्राई किया है, लेकिन स्टूडेंट्स इसका सही आंसर क्या है, देखिए आपको लिखना था जो वो फ्रैक्शन को चूज़ करना था जिसके 5 ज़्यादा हो। पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समझ लीजिए, जो ऊपर होता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे होता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। बोला गया आपको 5 मोर देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 5 ज़्यादा, तो 5 प्लस करना था आपको, 8 प्लस 5 करोगे तब 13 आएगा ना, 5 ज़्यादा। ओके, आई होप अब ना आपको क्लियर है। टू हाफ्स ऑफ पिज्ज़ा पुट टुगेदर, अब ये हाफ ऑफ पिज्ज़ा है, ये हाफ ऑफ पिज्ज़ा है, अगर आप इन दोनों को मिला दोगे तो एक सर्कल बन जाएगा, यानी क्या बन रहा है, पूरा वन बन रहा है, तो फुल एक वन चीज़ पिज्ज़ा बन के तैयार हो जाएगा। कन्वर्ट 8475 ग्राम इंटू के जी एंड 9 8 kg, आपको बताना है कि ये कितना ग्राम होगा के जी ग्राम में। ठीक है, तो आपको पता है 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, तो इसको क्या करना था, डिवाइड करना था 1000 से। डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको बताया 3 जीरोज है, तो 3 डिजिट्स के पहले क्या होता है, पॉइंट लग जाएगा, और ये जहाँ पॉइंट लगा है ये इससे पहले का के जी है, ये क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो 8 के जी 475 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 7, रिशित हैज़ 300 मीटर लॉन्ग ब्लू कलर रिबन। रिशित के पास 300 मीटर लॉन्ग ब्लू कलर की रिबन है, 250 मीटर की रेड कलर रिबन है। अब हाउ मेनी मीटर रिबन हैज़ इट टोटल। टोटल सिंपल, आपको टोटल बोल ही दिया है, तो टोटल बोला तो आपको प्लस ही करना है, तो 300 प्लस 250 मीटर करेंगे तो 550 मीटर्स आपका आंसर था। हाइट ऑफ ट्री इज 4 मीटर 560। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था बच्चों, कि हाइट आपको दी हुई है एक पेड़ की, जिराफ की हाइट दे दी है, और आपको बताना है कि अब जो ट्री की हाइट है वो कितनी छोटी है जिराफ से। तो देखो कुछ नहीं, आपको देखो इतना समझ में आ गया कि एक चीज़ आपको हटाने बोल रहा है, ठीक है, निकालने बोल रहा है। जैसे मान लो ये एक पेड़ है और ये एक जिराफ है, ठीक है, ये जिराफ है, मान लो ऐसा ये जिराफ है, इसकी हाइट दी हुई है, इसकी हाइट दी हुई है, और आपसे पूछ रहा है शॉर्टर देन द ट्री, शॉर्टर देन द ट्री से कितना छोटा है जिराफ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप डाल दोगे 4 मीटर 560 सेंटीमीटर माइनस 2 मीटर 220 मीटर, तो आपको मिल जाएगा क्या डिफरेंस है दोनों में, तो ये डिफरेंस आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट इज़ हाउ मेनी 250 ग्राम आर देयर इन 1 kg। 1 kg में कितने 250 ग्राम है, ये तो बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। अगर आपको पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम है, तो 1000 को आप डिवाइड कर दो ना 4 में 250 से, यहाँ पे आप डिवाइड करते, अगर चलो डिवाइड करते नहीं आता, लेकिन आपको पता है कि 250 प्लस 250 इज इक्वल्स टू 500 होता है ग्राम, और ये क्या हुआ, आधा किलो बोलते हैं इसको अपन, 500 ग्राम को क्या बोलते हैं, आधा किलो बोलते हैं, और उसी में अपन 500 ग्राम और मिला दें, यानी और 250 और 250 मिला दें, तो क्या हो जाएगा 1000 ग्राम, है ना, सिंपल था ये। आपको कितनी बार आपने ऐड किया, 1 2 3 4 टाइम ऐड किया, तो 4 आपका आंसर हो गया, सिंपल। नेक्स्ट इज हाउ मच विल इट बी इफ़ यू ऐड दिस टू इट। आपको सिंपल दे दिया कि इसको इससे एडिशन करना है, तो आपने लिखा फर्स्ट नंबर एडिशन, तो यहाँ आपकी मिस्टेक हुई है, आई नो मिस प्रिंट हुआ है आंसर, लेकिन आपको नियरेस्ट वन वहाँ पे चूज़ करके लिख देना था। जैसे आंसर यहाँ पे 251843 है, लेकिन वहाँ पे आपको ऑप्शन में ये दिया था, तो मैंने इस वाले को सबको सही दिया है।
ब्लैंक्स में देखते हैं, ब्लैंक्स में फर्स्ट था व्हेन वी ग्रुप इक्वली, वी अगर हम किसी चीज़ को इक्वली बांट रहे हैं तो देखो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि आप अपने फ्रेंड्स को चॉकलेट्स बांटते हो तो चॉकलेट बांटने के लिए आप क्या करते थे, डिवाइड करते थे। यहाँ पर भी बहुत बच्चे भूल गए इस आंसर को। नेक्स्ट इज आपको बोला है जब इसको इससे डिवाइड किया जाए, इसको इससे डिवाइड जाए तो उसमें साइन बताना था कि कौन बड़ा है छोटा है या इक्वल है। तो इनको करने पर 48 आया, इसको करने पर 36 आया, तो ऑब्वियसली 48 बड़ा है तो मैंने ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट इज 5 kg 230 ग्राम इज इक्वल्स टू, आपको बताना है 5 kg 230 ग्राम किसके बराबर है। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना था, 5230 ग्राम के, ईजी है। फिर क्या है, योर पेंसिल इज अराउंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, आपको पेंसिल कितनी लॉन्ग है तो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, क्योंकि आप पेंसिल को मीटर में तो बांट नहीं सकते, मीटर तो ग्राउंड को मेजर करने के लगता है तो ऑब्वियसली यह सेंटीमीटर ही आएगा। और ये केजी वाले में आपको 1000 से इंटू करना था इसको, आप अगर इसको सिंपल में लिखते तो ये होता 5.230 इज इक्वल्स टू इंटू 1000 करते तो आपको 5230 मिल जाता ग्राम में पूरा चेंज, क्योंकि ये क्या है किलो में था तो इसको किलो में से ग्राम में करने के लिए हमको इंटू करना पड़ता है 1000 का। 6000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, आपको पता है कि 1 meter इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आपको उल्टा बोल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने 6000 से 100 का डिवाइड किया है, 0 से 0 काटा है, 60 meter इज योर आंसर। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत मेहनत की ज़रूरत है, kg, मीटर, मिलीलीटर, इन सब पे फोकस करिए, क्योंकि आपको कन्वर्ट करते नहीं आता, कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम्स में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और ये आपको आगे फ्यूचर में भी बहुत काम आएंगे, 4th, 5th, 6th आप लाइफ में पढ़ते जाओगे ये चीज़, तो आपको फोकस से पढ़ना है इसको, ठीक है। 21 liter 695 ml, ये आपको प्लस करना था, इन दोनों को प्लस करना था और बताना था कि क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे जिसने स्मॉलर लिखा है उसका भी सही है और जिसने लेस लिखा है उसका भी सही है, तो मैंने यहाँ प्लस करके आपको आंसर्स दिए हैं। इतना ही मैंने अभी आपको इस वीडियो में कवर कराया है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट